दोस्तों, हमारी कहानी चल रही है दुगड्डा के आदमखोर बाप की। इस कहानी के 17 एपिसोड हो चुके हैं और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 18वां, लेकिन ये अंतिम एपिसोड बने, लास्ट एपिसोड बने। सबसे पहले तो मैं श्री राजेंद्र सिंह रावत जी और मेघना आर्ट्स का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों का सहयोग अतुलनीय, अकल्पनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही। और हाँ, एक बात बोलना चाहता हूँ दोस्तों, हो सकता है कि यह एपिसोड थोड़ा लेंदी हो जाए, थोड़ा लंबा हो जाए, क्योंकि आप में से कई लोग चाहते हैं कि कहानी को अब जल्दी खत्म करूं। तो आज इस घटना का क्या बोलते हैं वो पटापेक्ष करके ही छोड़ूंगा। कोशिश तो यही है, खत्म ही कर दूं इस कहानी को। इस घटनाक्रम को सुनने के लिए आप लोगों के अंदर जो उत्साह है, उसकी मैं वाकई में प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता। साधुवाद है आप सभी मित्रों के लिए। अब दोस्तों, ज्यादा भूमिका ना बांधते हुए सीधे चलते हैं कहानी में। पिछले भाग में मैंने आपको बताया था, वायलट साहब को शिकार की अनुमति मिल गई थी और साथ ही ये भी बताया था कि वन्य जंतु प्रतिपालक श्री चतुर्वेदी जी और श्री बुद्धि सिंह जी, जो सहायक वन जंतु प्रतिपालक थे, इन दोनों ने आपस में एक मीटिंग करी, कुछ विचार विमर्श वगैरह किया और उसके बाद पिंजरे को, जो पिंजरा था, उसको गयड्डा गधेरे के पुल के नीचे रखवा दिया था। याद होगा आपको, मैंने पिछले एपिसोड में बताया, गार्ड जगमोहन सिंह को इस पिंजरे की देख रेख के लिए रख दिया गया था कि भाई तुम इसकी देखो, देखभाल करो, सब देखो, कब इसमें बकरी बांधनी है, कब निकालनी है। खैर दोस्तों, चलते हैं कहानी में आगे जानने के लिए कि फिर क्या हुआ। तो दोस्तों, 26 मार्च 1978 की रात को बिजनूर गांव के एक शिकारी कुंवर ब्रिजेंद्र सिंह जी ने आदमखोर के धोखे में एक लकड़बग्घा और मार डाला। इससे पहले भी एक और मारा गया था, ये एक और मारा गया। अब इस आदमखोर की वजह से दो निर्दोष लकड़बग्घों की भी जानें चली गई थी। मतलब एक तो मादा थी और एक ये मेल था। 28 मार्च 1978 की रात में करीब 8 बजे का समय था, बुंगदार गांव में एक महिला जिसका नाम रुखसाना था, वो फ्रेश होने के लिए अपनी सास अल्लाहबंदी के साथ अपने घर का दरवाजा खोलकर बाहर निकली और आंगन के अगले छोर में थोड़ा सा किनारे की तरफ जाके फ्रेश होने लगी। अल्लाहबंदी ने जो लालटेन हाथ में पकड़ रखी थी उसको जमीन पर रख दिया और उससे थोड़ा सा हटके कुछ पीछे वो खड़ी हो गई, नजर रखने के लिए चारों तरफ, कहीं कुछ कोई जानवर ना आ जाए, कोई मतलब एक प्रिकॉशंस के लिए। इत्तेफाक से ये जो आंगन था उसके पास में ही एक खेत था और वहां पर पहले से ही आदमखोर जो है घात लगा के बैठा हुआ था। उसने जैसे ही रुखसाना को बैठे हुए देखा, वो अपनी जगह से उछला और सेकंडों में ही उसने रुखसाना की गर्दन को अपने मुंह में पीछे से ऐसे दबोच लिया और उसे खींचता हुआ ढलान की ओर में नीचे की ओर ले जाने लगा। अब रुखसाना के पीछे से उससे पकड़ रखा था तो जोर जोर से चिल्लाने लगी, रुखसाना बचाओ बचाओ, बाघ आ गया बचाओ। रुखसाना की आवाज तो सुनकर पहले तो अल्लाहबंदी थोड़ा चौंक सी गई कि अरे ये क्या मतलब, और फिर स्थिति को समझकर वो दौड़ी और आंगन से जो लगा हुआ खेत था उस पर कूद गई और कूदी और कूदते ही उनके हाथ में जो है रुखसाना का पैर आ गया, जिसको बाघ खींच के ले जा रहा था। उन्होंने उसके पैर को जो है कस के पकड़ लिया और जोर जोर से चीखने लगी, बचाओ बचाओ, अरे कोई तो आओ बचाओ, तो रुखसाना को आदमखोर ने पकड़ लिया है, अरे बचाओ हमें, ये रुखसाना को ले जा रहा है कैसे, मतलब एक वो होता है बचाने के लिए, वो आप लोग बेहतर समझ सकते हैं। तो आदमखोर रुखसाना को दबोचे हुए
मुख्य दंड जो रास्ता था, पगडंडी जो थी, अब उसको छोड़ के वो क्या किया, सीढ़ीनुमा खेतों में उतर गया और 60-70 गज की दूरी तक वो उसको लेके जा चुका था। अल्लाह बंदी भी जो है रुखसाना का पैर को मजबूती से पकड़े हुए चिल्लाते हुए उसके पीछे पीछे खिंचती चली जा रही थी। यार सोचो तो यार कितनी ताकत होगी यार उस बाघ में, जो दो दो लोगों का वजन खींच के ले जा रहा था, एक को गर्दन से पकड़ रखा है, दूसरे ने उसको पकड़ रखा और वो दोनों को खींच के लिए चला जा रहा है। अल्लाह बंदी घसीटते हुए एक ही बात सोच रही थी कि यदि उसके पास में उस टाइम कोई हथियार होता तो वो जरूर इस आदमखोर से लड़ जाती। अब बाघ के साथ घसटते घसटते अचानक उनके हाथ में एक पत्थर आ गया और वो पूरी शक्ति के साथ उस पत्थर से आदमखोर के मुंह पे वार करने लगी, मतलब उसके मुंह पे मारने लगी पत्थर को, दबा दबा आदम। अब लगातार वार होने से आदमखोर थोड़ा घबरा गया और रुखसाना को छोड़कर जंगलों की तरफ भाग गया। अच्छा, उसी रात अल्लाह बंदी की लड़की मजीदन अपने हस्बैंड के साथ, जिसका नाम अजीमुल्ला था, उसके साथ अपने मायके आई हुई थी। अब रुखसाना और अल्लाह बंदी की ये चीखने चिल्लाने की, चीख पुकार की आवाज़ को सुनकर वो दोनों भी घर से बाहर निकल आए, घर के अंदर थे वो निकल आए बाहर, और फिर वास्तविकता को समझकर वो भी जोर जोर से आवाज़ें देने लगे, चिल्लाने लगे, गांव वालों को पुकारने लगे कि कुछ गांव वाले आ जाएं तो कुछ सहायता मिल जाए। लेकिन दोस्तों, इस आदमखोर बाघ का खौफ मतलब लोगों के अंदर इस कदर हावी था, इस कदर उनके दिल के अंदर तक बैठा हुआ था कि किसी भी गांव वालों की हिम्मत नहीं हुई कि वो अपने घर से एक कदम भी बाहर निकाले या इन लोगों की सहायता के लिए आए, हिम्मत ही नहीं हुई किसी की। अब ये दोनों लोगों ने देखा कि यार कोई नहीं आ रहा, तो ये दोनों लोग पगडंडी से होकर उस दिशा की ओर दौड़ गए जिस ओर से अल्लाह बंदी की आवाज़ें आ रही थी। अब जब ये घटना स्थल पर पहुंचे तो इन दोनों ने देखा कि अल्लाह बंदी ने रुखसाना का सर अपनी गोद में रखा हुआ है और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से जो है अपना रोए जा रही है। रुखसाना बेहोशी की हालत में थी और उसके गले से जो है खून की धाराएं बह रही थी, दोनों साइड से खून की धारा बह रही थी। जमीन पर घसीटे जाने के कारण इन दोनों के कपड़े फट गए थे, नेचुरल सी बात है, घसरने से कपड़े फटते ही थे, और शरीर भी जो है जगह जगह से खुरच गया था, उस पर खरोचे लगी हुई थी जिनसे खून निकल रहा था। अब ये तीनों लोग मिलके किसी तरह से रुखसाना को उठाकर घर ले आए। रुखसाना को होश में लाने के लिए बड़े इन लोग प्रयत्न कर रहे थे, उसके मुंह में पानी के छींटे वगैरह मार रहे थे, थोड़ा सा उसको उठा रहे, लेटा रहे, पानी पिलाने की कोशिश कर रहे, लेकिन उसे होश नहीं आ रहा था। और करीब एक घंटा बेहोश रहने के बाद उस बेचारी ने दम तोड़ दिया। अपनी बहू को बचाने के लिए अल्लाह बंदी ने अपनी जान की बाजी तो लगा दी थी, लेकिन ऊपर वाले की मर्जी के सामने यार किसकी चलती है, किसी की नहीं चलती है। रुखसाना की जान भी नहीं बच पाई, पूरे घर में कोहराम मच गया, जो एक नेचुरल सी बात है, ये तो कहने की जरूरत ही नहीं, अंडरस्टूड है। अगले दिन सुबह अजीमुल्ला इस वारदात की खबर देने के लिए दुगड्डा पहुंचा और वहीं से उसने रुखसाना के पति लियाकत अली को एक टेलीग्राम भी कर दिया। लियाकत अली दिल्ली में एक प्रेस में जॉब वगैरह करता था, इस खबर को सुनते ही वो दिल्ली से दुगड्डा आ गया और फिर दुगड्डा आके यहाँ से अपने डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर अख्तर अली साहब जो इस किताब के राइटर हैं, दुगड्डा का आदमखोर जिन्होंने लिखी हुई है, और एक और दोस्त भोपाल सिंह नेगी को साथ लेकर अपने गांव बुंगधार के लिए रवाना हो गया दुगड्डा से। करीब 2.5 किलोमीटर तीखी चढ़ाई और तंग घुमावदार पगडंडी को तय करके ये लोग
बुगधार गांव में पहुंचे। अब यहां पहुंच कर उन्होंने देखा कि वन्य जंतु प्रतिपालक श्री चतुर्वेदी जी घटनास्थल का निरीक्षण कर रहे हैं, सब चेक कर रहे हैं, और अल्लाह बंदी अपने घर के दरवाजे में बैठी हुई रो रही है। रुखसाना का खून से लथपथ शव घर के अंदर एक चारपाई पर पड़ा हुआ था, मतलब चारपाई पर रखा हुआ था। उस क्षेत्र के पटवारी श्री मंगल सिंह तोमर जी भी इस वारदात की खबर पाकर बुमधार पहुंच गए थे। कभी भाई पटवारी के बिना तो कुछ काम होता ही नहीं था ना, अभी भी नहीं होता है। उन्होंने वारदात की जांच पड़ताल करी, सारी घटना की, और फिर पंचायतनामा तैयार करके बॉडी अल्लाहबंदी को सौंप दी। और अपनी जो डायरी, जो रोजनामचा जिसको बोलते हैं, उसमें दर्ज कर लिया कि किस तारीख, क्या 28 मार्च 1978 की रात को 8 बजे आदमखोर ने पट्टी सीला के वृत्त 3 के गांव बुमधार में लियाकत अली की 20 वर्षीय पत्नी रुखसाना को मार डाला है। आदमखोर के पंजों के निशान का बारीक निरीक्षण करने के बाद में वन्य जंतु प्रतिपालक श्री चतुर्वेदी जी इस निष्कर्ष में, निर्णय में पहुंचे कि आदमखोर बुमधार गांव से गुड़खिल गांव की ओर चला गया होगा। उसके जो पंजों के निशान थे वो गुड़खिल की ओर जाते हुए दिख रहे थे। श्री चतुर्वेदी जी ने ये सूचना इमाम साहब और हंटर वायलर साहब को दे दी कि भाई उसने वहाँ ऐसी ऐसी वारदात करी और अब वो जो है गुड़खिल की तरफ चला गया है। इस खबर को सुनकर ये दोनों लोग गुड़खिल पहुँचे और वहाँ के गांव वाले जो वहाँ के निवासी थे उनको समझ लेकर वहाँ के जंगलों में ये हाँका वगैरह लगाने लगे। लेकिन इस हाँके का भी कोई रिजल्ट निकला नहीं, मतलब कोई रिजल्ट नहीं मिला। शाम को 7 बजे अजीमुल्ला और उसके कुछ अन्य संबंधियों ने मिलकर रुखसाना को दफन कर दिया। साथ ही शिकारी राजपाल सिंह तोमर जी और शिवदयाल बौठियाल जी, इन दोनों ने अल्लाहबंदी के घर के पास ही एक मचान बना लिया और एक बेट बांध कर मचान पर बैठ गए। रात भर जो है ये मचान में बैठे रहे, लेकिन आदमखोर वहाँ नहीं आया। फिर कुछ अगली कुछ रातों तक नरौली के, दोस्तों नरौली मुरादाबाद के नज़दीक एक स्थान है, वहाँ के एक जागीरदार कुंवर नरेंद्र सिंह जी बुगधार गांव में बेट बांधकर मचान पर बैठना उन्होंने शुरू कर दिया। लेकिन वो भी आदमखोर को मारने में सफल नहीं हुए, उनको भी आदमखोर नहीं मिला, आदमखोर नहीं आया। दोस्तों कुंवर नरेंद्र सिंह जी अपने साथ एक हाथी भी लाए थे, एलिफेंट, जिसे उन्होंने आदमखोर का शिकार करने के इरादे से कांडाखाल भेज दिया था। लेकिन यार हाथी क्या है ना, अपने पहाड़ों की तीखी चढ़ाई और घुमावदार जो पगडंडियाँ होती हैं, पहाड़ी पगडंडियाँ जिनको हम कहते हैं, उन पर कैसे चल पाता है। इसलिए हाथी को, हाथी में बैठकर शिकार करने का कोई मतलब सेंस ही नहीं बनता था, तो ये इरादा छोड़ना पड़ा और हाथी को वापस भेज दिया गया। दोस्तों एक मिनट, ये मैसेज जरा आ रहा है, इसको हटा दो। इधर जिलाधिकारी जोजफ साहब भी बुमधार गए और अल्लाहबंदी को सांत्वना वगैरह दी और दुर्घटना के क्रम की जांच करने के बाद पब्लिक से एक अपील करी। तब ये अपील क्या थी, परगना गंगा सलाड़ के निवासियों से अपील। जैसा कि आप जानते ही हैं कि दिनांक 28 मार्च 1978 की रात को गांव बुमधार में 20 वर्षीय रुखसाना अपनी सास अल्लाहबंदी के साथ फ्रेश होने के लिए घर से बाहर आई तो बाघ ने उस पर हमला कर दिया। रुखसाना की सास ने हिम्मत करके उसे बाघ के मुंह से छुड़ा लिया, पर घर लाने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। रुखसाना और उसकी सास के हाथों में कोई हथियार होता तो जान बचाई जा सकती थी। मैं पहले ही आपसे निवेदन कर चुका हूं
मैं मतलब मैं नहीं हाँ जिलाधिकारी साहब, कि रात्रि में घर से बाहर बिल्कुल ना निकले। यदि मजबूरी में बाहर निकलना ही पड़े तो दो या तीन लोग इकट्ठा होकर हाथों में हथियार लेकर निकले। हथियार दराती या खुखरी भी हो सकते हैं, जो हर घर में उपलब्ध होते हैं। जिन गांव में एक भी बंदूक नहीं है, उनमें सरकारी बंदूक उपलब्ध कराने की एक योजना बनाई गई है। आप लोगों से निवेदन है कि ऐसे गांवों की सूचना जिनमें एक भी बंदूक नहीं है, कांडा खाल में कानूनगो साहब श्री आनंद सिंह नेगी जी को दे दें, ताकि बंदूक की व्यवस्था की जा सके। टी जॉर्ज जोजफ, जिलाधिकारी गढ़वाल, कैंप कांडा खाल। तो ये एक विज्ञप्ति थी जो उन्होंने जारी करी थी। 4 अप्रैल 1978 को उत्तर प्रदेश विधानसभा लखनऊ में सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई विधायकों ने आदमखोर बाघों को ना मार पाने के कारण वन मंत्री का घेराव कर लिया। विपक्ष के कुछ जो विधायक थे, उन्होंने ये इल्ज़ाम भी लगा दिया कि राज्य के वन विभाग और गढ़वाल के जिला प्रशासन के बीच जो मतभेद चल रहा है, इस वजह से नरभक्षी का शिकार नहीं हो पा रहा है। वन मंत्री के ऊपर प्रश्नों की झड़ी लगा दी गई। अब यार होता ही है, वन मंत्री ने प्रश्नों का उत्तर दिया कि नरभक्षी बहुत ही चालाक हो गया है और वो हर बार शिकारियों की आंखों में धूल झोंक कर बच निकलता है। उन्होंने वन विभाग द्वारा आदमखोर के शिकार हुए मनुष्यों के जो मतलब जो भी लोग थे उनके परिवार वालों को क्षतिपूर्ति और आदमखोर के शिकार अभियान में लगे शिकारियों को आर्थिक मदद जो हेल्प होती है, फाइनेंशियल हेल्प जो है वो उसको दिए जाने के बारे में भी बताया। साथ ही उन्होंने ये भी सफाई पेश करी कि जिम कॉर्बेट साहब को भी रुद्रप्रयाग के आदमखोर को मारने में 8 वर्ष लग गए थे, 1918 से 1926। ये सुनकर विधायकों को लगा कि शायद वन मंत्री ये कहना चाहते हैं कि दुगड्डा के आदमखोर को मारने में अभी कई साल और लग सकते हैं। विधायकों ने वन मंत्री के इस बयान की बड़ी बहुत बुरी आलोचना करी, मतलब रील धोती जिसको कहते हैं। अब यार बयान ही ऐसा हो गया कि लंबा टाइम लगता है। हालांकि यहाँ पर मैं अपनी ओर से ये बता देना जरूरी समझता हूँ कि रुद्रप्रयाग का आदमखोर 8 सालों तक सक्रिय तो था, इसमें कोई शक नहीं। 1918 में उसने बेंजी गांव में अपना पहला शिकार किया था और 1926 में उसने सबसे अंतिम शिकार किया था। उसके बाद जिम कॉर्बेट साहब ने उसे गोली मार दी थी और जिम कॉर्बेट साहब 1925 में रुद्रप्रयाग आए थे, 1918 में नहीं, 1925 में आए थे और 1926 में उन्होंने इस आदमखोर को मार दिया था। 1 साल से कम समय में मार दिया था। अब पर्टिकुलर कब किस डेट को आए थे ये सब याद नहीं है। 5 अप्रैल 1978 को गैदा गदेरे के पुल के नीचे जो पिंजरा रखा हुआ था उसकी देखभाल के लिए जो रक्षक था जगमोहन सिंह, उसे किसी काम से छुट्टी में जाना था तो वो घर चला गया। उसकी जगह पर अधिकारियों ने शंभू प्रसाद काला जी की ड्यूटी लगा दी। 7 अप्रैल 1978 की सुबह जब शंभू प्रसाद काला जी पिंजरे को चेक करने के लिए दुगड्डा गधेरे के पुल के नीचे पहुंचे, तो उन्हें पिंजरे का फाटक बंद मिला और उसके अंदर से किसी बाघ की दिल को दहला देने वाली दहाड़ सुनाई दी, भयानक रूप से दहाड़ सुनाई दी। उन्होंने तुरंत कांडाखाल जाकर इसकी सूचना जो है अफसर्स को दी, जो अधिकारी थे उनको दी। तुरंत ही सहायक वन संरक्षक महेंद्र सिंह, वन्य जंतु रक्षक हीरा सिंह और प्रीतम सिंह जी, रिटायर्ड महावत अली शेर, कानूनगो श्री आनंद सिंह नेगी जी, पटवारी आनंद प्रकाश बरोदी जी और लोकल लोगों की एक बहुत बड़ी भीड़ गया गधेरे के पुल के पास पहुंच गई। सहायक वन संरक्षक श्री महेंद्र सिंह जी ने सबसे पहले तो पिंजरे के फाटक की कुंडी में ताला लगवाया और लॉक करवा दिया उसको। ताला लगाने के बाद जो फाटक खुलने की संभावना थी वो भी अब
बंद हो गई थी। अब संभावना ऐसी नहीं थी कि ताला खुल सकता है, वो दरवाज़ा खुल सकता है या गेट खुल सकता है उठाने उठोने में। उसके बाद उन पत्थरों और पत्ते टहनियों आदि जो सब लगाया गया था उन सबको हटाया गया था, हटाया गया जिनको पिंजरे को ढका गया था। पिंजरे के अंदर बाघ बहुत गुस्से में था और बार बार अपने पंजों से पिंजरे के छड़ों पर वार कर रहा था और दिल को दहला देने वाली गुर्राहट निकाल रहा था। पिंजरे में चारे के रूप में बंद बकरी को वो आधे से ज़्यादा खा गया था। लंबी लंबी बल्लियाँ लाई गई, फिर इन बल्लियों में पिंजरे को टांग कर जो है गयाटा गधेरे के पुल के ऊपर लाया गया। अब तक इमाम साहब और हंटर वाइलर भी पहुँच चुके थे। इमाम साहब ने पिंजरे के नज़दीक आकर बाघ को एक पतली सी छड़ी से छेड़ा तो उसने पिंजरे की छड़ों पर अपने पंजों से तेज प्रहार किया, मारा एक पंजा जोर से उससे पंजे जो सलाखे थी उस पर, और एक भयानक गर्जना करते हुए अपना मुंह खोल दिया। अब जैसे ही मुंह खोला तो बाघ के कैनाइन दांतों को देखकर इमाम साहब की आंखें जो है आश्चर्य से फैल गईं। तो मतलब उनको बड़ा ताज्जुब हो गया। उन्होंने देखा कि पिंजरे में बंद इस बड़े बाघ के ऊपर के जबड़े का बाईं ओर का कैनाइन दांत बिल्कुल सही सलामत है, जबकि निचले जबड़े का बाया कैनाइन आधा टूटा हुआ है, ऊपर जबड़े का दाहिना कैनाइन भी आधा टूटा हुआ है और नीचे जबड़े का दाहिना कैनाइन वो था ही नहीं, जड़ से ही नहीं था। इमाम साहब ने घोषित कर दिया कि ये जो पिंजरे में बंद जो आप ये बाघ को देख रहे हो यही आदमखोर बाघ है। वाइलर साहब और उनके सहायक शिकारी संजलू, उसने भी इमाम साहब के बात का समर्थन कर दिया कि हाँ साहब यही है आदमखोर बाघ। इमाम साहब और हंटर वाइलर को पिंजरे में बंद बाघ के आदमखोर होने का इतना विश्वास था कि उन्होंने अपना अभियान समाप्त करने का निश्चय कर लिया। उन्होंने कहा अब ये बंद हो गया, कोई फ़ायदा नहीं है, अभियान फिनिश। उन्होंने वन्य जंतु प्रतिपालन विभाग के जो अधिकारी और कर्मचारी थे उन सबको भी जो है इस सफलता के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ दी कि भाई आप लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया, ये आप पकड़ में आ गया है। खैर कुल मिलाकर ये दोनों लोग 100% ये मान चुके थे कि पिंजरे में बंद बाघ ही आदमखोर बाघ है। आप लोगों को याद होगा कि सबसे पहले आदमखोर बाघ की पहचान बताने वाले भी यही दोनों लोग थे। यार दोस्तों थोड़ा सा कमर में स्ट्रेन पड़ रहा है, मुझे 2 मिनट का टाइम दो यार, थैंक यू। पिंजरे में बंद बाघ को ट्रक में लाद कर दुगड्डा होते हुए कोटद्वार लाया गया और वन्य जंतु प्रतिपालक के जो कार्यालय था वहाँ रख दिया गया। पहले दुगड्डा और बाद में कोटद्वार में उसे देखने के लिए भीड़ ऐसी उमड़ी जैसे गिंदी का कौतिक यहीं पे लग रहा हो। गिंदी का कौतिक याद है ना? जिन मित्रों ने इस कहानी को शुरू से सुना है वो समझ ही गए होंगे कि मैं गिंदी का कौतिक क्यों बोल रहा हूँ। गिंदी का कौतिक, अगर जिन जो पहली बार आए हुए हैं वो सुनिएगा एपिसोड 1 से तो वो भी समझ जाएंगे गिंदी का कौतिक शब्द यहाँ पे क्यों बोला गया है। एक बाघ पिंजरे में बंद है ये तो ठीक है, लेकिन क्या यही आदमखोर है? इस बात पे कई शिकारी और अधिकारियों जो थे वो एक मत नहीं हो पा रहे थे। कुंवर ब्रिजेंद्र सिंह के अनुसार इस बाघ के आदमखोर होने की संभावना 75% थी। डीएम साहब, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिलाधिकारी जोजफ साहब के अनुसार 50%, बाबा निहाल सिंह के अनुसार 25%, डॉक्टर जॉन सी ट्रेलर और जो दूसरे सभी स्थानीय और जो बाहरी शिकारी थे उनके अनुसार 0% थी, मानने को तैयार ही नहीं थे। दूसरी ओर इमाम साहब ने कुंवर विजेंद्र सिंह जी को मतलब अपनी ये बात की आदमखोर है टेप रिकॉर्ड करवा दी कि पकड़ा गया बाघ ही आदमखोर है। वो हम लोग जैसे बोलते हैं ना, अभी लिख के ले लो, मैं लिख कर दे रहा हूँ, अरे ये होगा देख लेना, ऐसा होगा, ऐसा है वैसा है, मतलब हम एक तरह की गारंटी में नहीं बात करते कि अरे शर्त लगा ले मेरे से, गारंटी दे रहा हूँ मैं, ये ऐसा होगा,
तो ये एक तरह की गारंटी के रूप में उन्होंने, इमाम साहब ने अपनी आवाज़ टेप रिकॉर्ड करवा दी कि मैं कह रहा हूँ, मेरी ज़ुबान है कि ये आदमखोर है। क्योंकि वो कहते हैं 75% चांस है यार कि आदमखोर नहीं है, तो मतलब ये रिकॉर्ड करवा के ये गारंटी कर दी। मतलब इमाम साहब 100% कन्फर्म थे कि पकड़ा गया बागी मैनेटर लिपर्ड है। वायलर साहब उसी दिन 2 बजे अमेरिका के लिए अपना वापस रवाना हो गए, वो भी कॉन्फिडेंट थे कि ये पकड़ा गया, वो अपना लौट गए। वन्य जंतु प्रतिपालक श्री चतुर्वेदी जी, सहायक वन संरक्षण श्री महेंद्र सिंह जी और सहायक वन जंतु प्रतिपालक अपने बुद्धि सिंह जी, उनका भी यही मानना था कि पकड़ा गया जो बाघ है यही आदमखोर है। तो काफ़ी वो चल रहा था, है नहीं, क्योंकि इससे पहले कई अफवाहें इसके बारे में ऐसी हो चुकी थी, तो कन्फर्म अभी तक कोई नहीं था कि ये आदमखोर है कि नहीं है। श्री चतुर्वेदी जी ने लखनऊ फ़ोन मिलाया और उत्तर प्रदेश के मुख्य वन्य जंतु प्रतिपालक श्री विजय बहादुर सिंह जी को खबर दी कि दुगड्डा का आदमखोर बाघ पकड़ लिया गया है। तो विजय बहादुर सिंह जी ने आदेश दिया कि उसे लखनऊ प्राणी उद्यान में लाया जाए, लखनऊ प्राणी उद्यान मतलब लखनऊ जू, ताकि लखनऊ में बाघ की जाँच की जा सके और ये पता लगाया जा सके कि ये वाकई में आदमखोर है कि नहीं। क्योंकि अभी तक कोई उस कोटद्वार में ऐसे कुछ व्यवस्था थी नहीं उसका चेक करने की, और मरावा थाने की पोस्टमार्टम किया जा सके। दोस्तों, बाघ को लखनऊ ले जाने से पहले मैं आप लोगों के साथ मिलकर प्रसन्ना, प्रीतम, सुमा, भगवती, अनुसुईया, कबूतरी, सरस्वती देवी, दिक्का, विक्रम वो बच्चा, गोदाम्बरी, कीर्तेश्वरी, मीना, उर्मिला, विद्या और रुखसाना को श्रद्धांजलि देता हूँ, जिनके अनमोल जीवन का इस बाघ ने असमय ही अंत कर दिया था। आप लोग भी जरूर उनके लिए श्रद्धांजलि जरूर दें। 8 अप्रैल 1978 की सुबह सभी अधिकारी मीटिंग कर रहे थे और इस पर चर्चा हो रही थी कि इस बाघ को किस तरह से बेहोश किया जाए, किस तरह से इसे नींद की दवाई खिलाया जाए कि ये कोटद्वार से लखनऊ तक 470 किलोमीटर की यात्रा आराम से सोते हुए कर सके। इसके लिए अधिकारियों ने क्या किया, नींद की गोलियों को शहद की सहायता से एक पतली सी बेत पर चिपका दिया, उसे शहद के साथ नींद की गोलियाँ चिपका दी और उसे बाघ के मुंह में डाल दिया। बाघ को शहद का मीठापन लगा, वो बाघ उन गोलियों को निगल गया और कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। अब उसे नींद आ गई तो इन लोगों के लिए आसान हो गया, उसे आसानी से इन्होंने ट्रक पर लादा और वन्य जंतु प्रतिपालक श्री चतुर्वेदी जी लखनऊ के लिए रवाना हो गए ट्रक में बैठ के। लखनऊ पहुँचते पहुँचते बाघ का वो नशा टूट गया, मतलब गोलियों का असर ख़त्म हो गया और जाग गया। और जब उसका पिंजरा ट्रक से उतारा गया तो वो बड़े गुस्से में था, वो पिंजरे के अंदर से ही लोगों पर झपटने की कोशिश कर रहा था। उसकी कोशिश यही होती कि ऐसे ही पकड़ सकूँ यहाँ से भी। लखनऊ प्राणी उद्यान में आने के बाद बाघ ने अपने पकड़े जाने से गुस्सा होकर भोजन करना बंद कर दिया, उसने खाना खाना छोड़ दिया। तो उसे देखा मैं पिंजरे बंद हो गया हूँ तो भोजन करना बंद कर दिया। उसने 3 दिन तक प्राणी उद्यान के जो कर्मचारी उसे कटरे का मांस देते थे 3 दिन तक उसने उसे छुआ तक नहीं। 4th दिन उसने कटरे का सिर्फ 1.5 किलो मांस खाया। फिर 5वें दिन उसने 2 किलो मांस खा लिया। फिर 6ठे दिन से वो भरपेट अपना 4 किलो मांस खाने लगा, जो भरपेट था उसके लिए। विशेषज्ञों ने इस बात का अध्ययन करके कुछ निष्कर्ष निकाले, जैसे इस बाघ की जो लंबाई थी वो 8 फिट थी, तेंदुए की लंबाई 8 फिट, सोचो कितना बड़ा होगा, जबकि बाघों की सामान्य लंबाई 7 फिट होती है, तो ये 1 फिट ज़्यादा ही था। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बार फिर याद दिला दूँ, यहाँ पर मैं गुलदार, तेंदुआ या लेपर्ड को बाघ बोल रहा हूँ, या तो तेंदुआ, गुलदार या लेपर्ड, जो भी आप समझ लें वो मेरे, उसको मैं उसको बाघ बोल रहा हूँ। आप बाघ का मतलब टाइगर मत समझिएगा, हमारे उत्तरांचल में हम बाघ ही कहते हैं। और ये एक वृद्ध बाघ था,
इसकी आयु 12 वर्ष से कुछ अधिक थी। सामान्यतः जो बाघ की आयु है वो 16 वर्ष होती है। इसका केवल एक कैनाइन साबुत था और 3 टूटे हुए थे। इसके पंजों में एक भी नाखून नहीं था। वो शायद किसी बीमारी के कारण पंजों के सभी नाखून गिर गए थे। इसके मुंह से कभी कभी खून भी निकलता था, खून भी गिरता था। शायद किसी कुछ बीमारी भी थी इनको, इस बाघ को। इसके पंजों के निशान दुगट्टा आंचल में जो चौंडली गांव में जो पंजों के निशान के जो सैंपल लिए गए थे उससे पूरी तरह मेल खा रहे थे, मतलब बिल्कुल डिट्टो वही थे। उधर अधिकारियों ने इस बार दुगड्डा और उसके आसपास के आतंकग्रस्त क्षेत्र में पब्लिक को, जनता को आदमखोर के खतरे के प्रति सावधान रहने की सलाह दी थी कि भैया अभी सावधान रहो, जब तक लखनऊ प्राणी उद्यान के अधिकारी ये घोषित ना कर दें कि पकड़ा गया बाघ ही आदमखोर है, तब तक आप लोग वैसे ही सावधानी रखें जैसे आज तक रखते आए थे। पिछले एक साल से जैसे आप रहते आ रहे हैं, डरे छुपे ऐसे ही रहें, घर के अंदर टाइमली बंद हो जाएं। तो 14 अप्रैल 1978 को लखनऊ प्राणी उद्यान के निदेशक श्री अशोक सिंह जी ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया कि पकड़ा गया बाघ ही वास्तव में दुगड्डा का आदमखोर बाघ है। टूटे हुए कैनाइनों से इसे जो है पशुओं को मारने में कठिनाई होने लगी थी, तो ये मैन ईटर हो गया। इस बाघ के पकड़े जाने के बाद जो आतंकग्रस्त क्षेत्र था वहाँ पे कोई भी नई वारदात नहीं हुई थी, मतलब कोई दुर्घटना नहीं घटी। इससे भी ये सिद्ध हो रहा था कि यार ये बाघ आदमखोर बाघ है, क्योंकि अगर वहाँ पे होता तो अभी तक कोई ना किसी पे तो अटैक किया होता, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। आदमखोर के पकड़े जाने का ऑफिशियली अनाउंस होने के बाद प्रभावित जो क्षेत्र थे वहाँ से वायरलेस जो सेट अलॉट किए गए थे वो सब हटा लिए गए, और गांव वालों को आत्मरक्षा के लिए जो बंदूकें दी गई थी वो भी सब वापस ले ली गई, बंदूक और गोलियां वगैरह सब वापस ले ली गई। जिलाधिकारी जोसेफ साहब ने भी अपनी दाढ़ी बनवा ली। ये बात दूसरी थी कि आदमखोर मारा नहीं गया था लेकिन पकड़ा तो गया था। आपको याद होगा मैंने बताया था कि उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक ये आदमखोर मारा नहीं जाता वो दाढ़ी नहीं बनाएंगे। तो खैर अब ये पकड़ा गया था तो उन्होंने अपनी दाढ़ी वाड़ी बनवा ली, क्लीन शेव हो गए, स्मार्ट हो गए। और एक बड़ी मजेदार बात थी, आदमखोर को पकड़ने का सारा श्रेय इसी वन्य जंतु प्रतिपालन विभाग को मिला, जिस विभाग का मतलब जिस विभाग की सबसे ज्यादा आलोचना की जा रही थी। राजस्व की इतनी आलोचना नहीं होती जितनी वन विभाग की जा रही थी। हर कोई वन विभाग को ही गरिया रहा था कि एक बाघ को नहीं पकड़ पा रहे, एक बाघ को नहीं मार पा रहे। ये तो फाइनली इन्हीं को सारा श्रेय दिया गया। 23 जनवरी 1977 से लेकर 6 अप्रैल 1978 तक गढ़वाल के दुगड्डा और डांगू आंचलों में लोगों की नींदें हराम कर देने वाला, अपनी चालाकी और क्रूरता से अनेक अंधविश्वासों को और मनगढ़ंत कहानियों को जन्म देने वाला, इतना ही नहीं बल्कि जो वर्ल्ड फेमस हंटर्स, विश्व प्रसिद्ध शिकारियों की आंखों में जो धूल झोंक के बच निकलता था, एक कुख्यात नरभक्षी जीवित पकड़ लिया गया था। और दोस्तों ये अपने आप में एक अनोखी और ऐतिहासिक घटना थी। पूरी दुनिया में, मतलब वर्ल्ड में, पूरी दुनिया के इतिहास में ये पहला मौका था कि कोई आदमखोर बाघ जीवित पकड़ा गया हो। इससे पहले कभी जीवित नहीं पकड़ा गया। 6 अप्रैल 1978 की रात जब ये शिकार की तलाश में गयड्डा गदेरे के पुल के पास से गुजर रहा था, तब या तो बकरी बोल उठी थी या उसके गले में जो घंटी बजी हुई थी वो टिनटना उठी थी। अब इस आवाज को सुनकर ये आकर्षित होकर उस ओर चला गया। अब क्योंकि पिंजरा जो है पत्तों और पत्थरों से ढक कर गुफा का टाइप का बनाया गया था,
कि ये गुफा समझकर बकरी को मारने के लिए उसमें घुस गया। और इससे जैसे ही बकरी को मारने के लिए बाड़े वाले हिस्से से बकरी वाले हिस्से की जो खिड़की होती है उसके बीच की जो रस्सी थी उसको काटा, वैसे ही रस्सी से बंधा जो फाटक था, पिंजरे का जो फाटक था वो गिरकर बंद हो गया और ये आदमखोर अंदर ही बंद होकर रह गया। दोस्तों, जब भी कोई बाघ या गुलदार आदमखोर हो जाता है तो पहचान के लिए उसे अमूनतः उसी जगह का नाम से पुकारा जाने लगता है जहाँ उसने पहला शिकार किया हो या जहाँ उसने मैक्सिमम अटैक किए हों, घटनाएं करी हों, तो वो वहीं का नाम उसको मिल जाता है। इस आदमखोर को भी लोगों ने कुछ नामों से पुकारा। इसने पहला शिकार मुनि पुजारी में पहली इंसानी हत्या की थी, प्रसन्ना को मारा था, याद है कि नहीं आपको? तो इस कारण कुछ लोग इसे मुनि पुजारी का नरभक्षी कहते थे। कुछ लोगों ने इसका नाम छोटा कर दिया, इसे पुजारी नरभक्षी कहने लगे, फिर और छोटा हो गया, अब यह सिर्फ पुजारी के नाम से पहचाना जाने लगा। अरे पुजारी पुजारी। कुछ लोग इसे डांगों का नरभक्षी भी कहते थे, लेकिन डॉक्टर अली अख्तर अली साहब ने इसे दुगड्डा का आदमखोर बोला क्योंकि इसने दुगड्डा अंचल में 10 और डांगू अंचल में 5 इंसानों को मारा था और इसके द्वारा घायल किए गए अधिकांश लोग भी दुगड्डा अंचल के ही थे। डॉक्टर अख्तर अली साहब लिखते हैं कि उनके विचार से इस बाघ के जो आदमखोर होने के हैं वो 3 कारण थे। ये 3 कारण ऐसे थे जिस वजह से ये आदमखोर हुआ। सबसे पहला तो इसने एक महिला की जो है अतजली लाश को खा लिया था, आपको याद होगा, जब प्रसन्ना को मारा था उसके बाद, उससे पहले तो अतजली लाश को खाकर इसके मुंह में मानव मांस का जायका लग गया था, तो एक कारण तो ये था। दूसरा, वृद्धावस्था के कारण कैनाइन टूट जाने और पंजों के नाखून झड़ जाने के कारण पशुओं को मारने में कठिनाई होने लगी थी तो इंसानों को मारने लगा था। मैंने कई बार आपको बताया, कई कहानियों में बताया कि बाघ के लिए सबसे सरल इंसान होता है शिकार, सॉफ्ट भी होता है, आसानी से मारा भी जाता है। तीसरा, इस क्षेत्र में बाघों के जो प्राकृतिक आहार जैसे कांकड़, घूरड़, हिरण आदि जो भी हर्बीवोरस जो होते हैं उनकी कमी हो गई थी। अब हर्बीवोरस की कमी हो जाने के कारण इस क्षेत्र के सभी बाघ ये जो बिग कैट्स वगैरह थे, ये अपने भोजन के लिए, अपने खाने के लिए जो किसान थे उनके पालतू जानवरों पर निर्भर हो गए थे। लेकिन इस बूढ़े बाघ को अपने टूटे कैनाइनों से मवेशियों को मारने में कठिनाई होती थी तो वो फिर आदमखोर हो गया था। तो ये 3 रीज़न डॉक्टर साहब बताते हैं। दोस्तों, जाते जाते एक बात और बता दूं कि शुरुआती दिनों में जब आदमखोर लखनऊ के जू में आया था, चिड़ियाघर में आया था, तो ये मनुष्यों को देखते ही भड़क उठता था, पता नहीं क्यों एकदम से घबरा जाता था, गुस्सा हो जाता था और पिंजरे के अंदर से गुर्राते हुए मनुष्यों की ओर झपटता था। और पता नहीं उस टाइम क्या था कि इससे बिजली जैसी तेजी और भयंकर गुस्सा था, जबकि उम्र 12-13 साल हो गई थी इसकी। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया इसकी जो व्याग्रता थी, उग्रता थी, गुस्सापन था वो कम होता गया और इसे एक ये बंदी जीवन की आदत हो गई। बंदी मतलब पिंजरे में बंद रहने की इसकी आदत हो गई। मई 1978 के तीसरे हफ्ते में इसे जनता के देखने के लिए चिड़ियाघर के एक पिंजरे में रख दिया गया। अब ये मनुष्यों के सामने आने से कतराने लगा, अब ये अंदर ही अपना जो है छिपा बैठा रहता था, बाहर निकलता ही नहीं था। ये बाहर निकलता था रात के समय, दिन भर अंदर रहता था और रात को निकलता था। आदमखोर का अपराध था कि इसने निर्दोष मनुष्यों का रक्त बहाया था, निर्दोष लोगों को मारा था, हालांकि इसने खुद को जीवित रखने के लिए ये सब किया था। ये कोई अपराध तो नहीं था, प्राकृतिक नज़रों में देखा जाए तो ये कोई अपराध तो नहीं था।
लेकिन खैर जो भी हो, आदमखोर को इसके गंभीर अपराध के लिए कम से कम मृत्युदंड तो नहीं मिला। मैं तो ये कहता हूँ मृत्युदंड नहीं दिया गया, लेकिन इसकी जन्मभूमि जहाँ ये पैदा हुआ, जहाँ ये खेला कूदा, जहाँ ये बड़ा हुआ, उस भूमि गढ़वाल से इसे देश निकाला देकर अजन्म कारावास की सजा हो गई बेचारा। एक महत्वपूर्ण बात और है दोस्तों, अगर ये पकड़ा नहीं जाता तो ये शर्तिया मारा जाता और अपनी आयु पूरी नहीं कर पाता, लेकिन पकड़े जाने के बाद अच्छा खान पान और समय समय पर इसकी अच्छी स्वास्थ्य सेवा जो इसको मिल रही थी, उससे ये जो अपनी सामान्य उम्र होती है 16 साल, उससे 2 साल तक ज़्यादा जिया, यानी कि 2 साल एक्स्ट्रा जिया। मैंने बताया ना कि एक गुलदार की औसत उम्र 16 वर्ष होती है, मगर इसने 18 वर्ष पूरे किए। लेकिन वैसे मैं बताऊँ, जो बाघ संरक्षण में मतलब प्राणी उद्यान जैसे या चिड़ियाघर जैसे स्थानों में पलते हैं, वो लगभग 23 वर्षों तक भी जी लेते हैं, वो 23 साल तक भी जी लेते हैं। और इस अवधारणा के अनुसार अगर इसको माना जाए तो सन 1988 के शुरुआत तक आदमखोर अपनी अधिकतम आयु के नज़दीक पहुंच चुका था, उसके दांत सब गिर चुके थे, अब उसे हड्डियों वाला मांस चबाने में कठिनाई होने लगी थी, तो नहीं खा पा रहा था। उसकी कठिनाइयों को देखते हुए प्राणी उद्यान के जो अधिकारी थे उन्होंने उसे मांस का कीमा और मुर्गे का मुलायम मांस देना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ दिन के बाद उससे वो भी खाने मुश्किल हो गए, तो फिर इसको ज़िंदा रखने के लिए मांस के टुकड़े उबाल कर दिए जाने लगे, उनको उबाल दिया जाता था फिर इसे दिया जाता था। नवंबर 1988 में आदमखोर की इस बाघ की स्थिति बिगड़ने लगी। विशेषज्ञों के अनुसार ये लीवर के साथ साथ और भी कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित हो गया था। ये जो प्राणी उद्यान के जो डॉक्टर थे उसको इसको बचाने के लिए पूरी अपनी जान की बाजी लगाए हुए थे कि भाई इसको बचाना है चाहे कुछ भी हो जाए। यार देखो समय का कैसा चक्र है, ये कैसी विडंबना है यार। एक दशक पहले सन 1978 में दुगड्डा क्षेत्र में इसे मौत के घाट उतारने की हर संभव कोशिश की जा रही थी, इसे मार दिया जाए मार दिया जाए मार दिया जाए, जबकि 10 साल बाद सन 1988 में प्राणी उद्यान में उसकी प्राण की रक्षा का हर संभव प्रयास किया जा रहा था कि ये कैसे भी हो ये बचाओ इसे यार, हर संभव प्रयास किए जा रहे थे उसे बचाने के लिए। लेकिन दोस्तों 2 दिसंबर 1988 को अपनी पूरी आयु भोग कर आदमखोर ने अंतिम सांस ली। डॉक्टर आर के दास के अनुसार इसकी मृत्यु कुछ लीवर से रिलेटेड बीमारी के कारण भी। इसकी मृत्यु से प्राणी उद्यान के अधिकारी और कर्मचारी सभी दुखी थे, क्योंकि 10 सालों तक प्राणी उद्यान परिवार का एक महत्वपूर्ण सदस्य रहा था ना ये। ये विश्व का पहला जीवित पकड़ा गया नरभक्षी बाघ तो था ही, और उसने मानवीय भावनाओं के साथ भी जो विचित्र खेला था वो भी एक अनोखा ही था यार। दुगड्डा क्षेत्र में वो मानव की घृणा का पात्र था, मतलब इंसान घृणा करता था इससे। तो लखनऊ प्राणी उद्यान में कौतूहल और मन बहलाने का साधन था, कभी उसने इंसानों को अपने इशारों पर नचाया था और अब वो मनुष्य के इशारे पर नाचने पर मजबूर हो गया था। एक समय था जब मनुष्य का जीवन उसकी कृपा पर निर्भर था और पकड़े जाने के बाद उसका जीवन मनुष्य की कृपा पर निर्भर हो गया था। तो ये कैसा प्रकृति का चक्र है यार, ये क्या विडंबना है, सोचो यार जरा। तो दोस्तों ये थी दुगड्डा के आदमखोर की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। एक बात बताऊँ, मैंने बहुत सारी बातें मैंने काट दी हैं कहानी में से, काट छाट कर दिए इसमें कहानी को छोटा करने के लिए, लेकिन फिर भी कहानी लंबी हुई होगी, मुझे पता नहीं कितनी लगी हुई होगी।
और कुछ बातें ऐसी भी हैं जो शायद हो सकता है मैं आपको बाद में बताऊं, कभी जिगर निकले तो मैं बताऊं। तो दोस्तों बने रहिएगा उत्तरांचल डायरीज के साथ, ये आपका अपना ही चैनल है यार, इसकी उन्नति और इसकी प्रगति दोनों आप ही के हाथ में है। साथ ही यार दोस्तों यार अगर यार हो तो यार सके प्लीज यार थैंक यू का ऑप्शन, थैंक यू ऑप्शन प्लीज यार कोशिश करना प्रयोग कर सके। जो मित्र चैनल में पहली बार आए हैं उन सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी कर दें यार। आप सभी लोगों का प्यार और आशीर्वाद बना रहे और क्या चाहिए मुझे। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों बाय, जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय 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 माँ भारती।